हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्रेम भाटिया। वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह एक वाक्य दोहराऊंगा कि यदि आप चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल को सेलेक्ट करें तो इससे आपको आने वाले वीडियो की सारी नोटिफिकेशन और जानकारी मिलती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि यदि आपने अपना कोविड टेस्ट करवाया है और आपको रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है तो किस प्रकार से आप ऑनलाइन अपनी रिपोर्ट चेक कर सकते हैं और उसका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। कोरोना टेस्ट की आपको रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए दो चीज़ों की आवश्यकता होगी, एक तो SRF ID और दूसरा आपका मोबाइल नंबर जो आपने टेस्ट करवाते समय दिया था। जब आप अपना कोविड टेस्ट करवाने के लिए किसी संस्था में जाते हैं तो वहाँ के लैब टेक्नीशियन जो कि सैंपल कलेक्टर होता है वो आपकी एक SRF ID जनरेट करता है। तो लैब टेक्नीशियन आपके द्वारा दी गई डिटेल के अनुसार RT-PCR ऐप में आपका नाम और मोबाइल नंबर से एंट्री करके SRF ID जनरेट करता है। तो इस प्रकार से SRF ID जनरेट हो जाती है, आप देख रहे हैं, और मोबाइल नंबर आप अपना जो देते हैं उसी में टेस्ट रिपोर्ट आती है मैसेज के द्वारा। रिपोर्ट में सामान्यतः 1 से 2 दिन लगते हैं और आपको मैसेज के द्वारा प्राप्त हो जाती है। जब लैब टेक्नीशियन आपका सैंपल ले लेता है और अपनी सारी डिटेल सबमिट कर देता है तो आपको एक मैसेज प्राप्त होता है, उसमें आपको SRF ID मिल जाती है। यदि आपको मैसेज प्राप्त नहीं होता है तो आप जब सैंपल दे रहे होते हैं तब आप वहाँ के जो सैंपल कलेक्टर होता है लैब टेक्नीशियन वहाँ से आप अपनी SRF ID अपने फ्यूचर यूज़ के लिए रख सकते हैं। अपने टेस्ट की कोविड टेस्ट रिपोर्ट निकालने के लिए आपको अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना होगा और वहाँ से जो लिंक दी गई है उसको कॉपी कर लेना है और उस जो लिंक को आप गूगल कीजिएगा और गूगल में सर्च बटन पर पेस्ट कर दीजिएगा और सर्च कीजिएगा, आपके सामने वो वेबसाइट खुल जाएगी, वो लिंक मिल जाएगी। वहाँ आपको अपना SRF ID डालना है, ठीक है, और उसके बाद अपना मोबाइल नंबर डालना है और मोबाइल नंबर डालने के बाद नीचे जो कैप्चा कोड दिया गया है उसको भरना है और फिर सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट पर क्लिक करते ही आपको आपकी रिपोर्ट मिल जाएगी, इसे आप प्रिंट भी कर सकते हैं और इसका प्रिंट आउट ले सकते हैं। एक और पेशेंट की डाल के देखते हैं, SRF ID हमने डाल दी है और उसके बाद उस पेशेंट का मोबाइल नंबर जो हमने टेस्ट करवाते समय दिया था और वो डालना है और उसके बाद जो नीचे कैप्चा कोड दिया गया है वो सबमिट कर देना है और फिर रिपोर्ट को सर्च कर लेना है। अगर रिपोर्ट अवेलेबल होगी तो भी आ जाएगा, पेंडिंग भी बता देगा, पॉजिटिव नेगेटिव सारा बता देगा, ठीक है। तो ये आपको रिपोर्ट प्राप्त हो गई है और आप इसका प्रिंट आउट लेके अपनी रिपोर्ट देख सकते हैं। आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।